अभी अपन पाठ कर रहे थे उसमें दो छंद आए हैं 117 और 118। दोनों छंद में एक आया कि नाम नामक कर्म जिए का पराभव कर जीव को, कि नाम नाम का जो कर्म है उसने जीव को पराभव करके जीव को हरा कर जीव पर जीत प्राप्त करके क्या किया, जीव जीत प्राप्त करके फिर जीव को कहाँ डाल दिया, नीचे की पंक्ति बोलो, नर नर की प्रेम और देव इन पर्याय में दाखिल किया है। मानो जैसे नर की पर्याय जेल है ऐसे ही सुर पर्याय भी जेल है। इसमें बताया कि नाम कर्म ने वो काम किया है और दोनों ने आत्मा का पराभव करके किया है, आत्मा की भक्ति फलाना फलाना ये करके अत्यंत जो सुभाव आप कहते हो जिन्हें वो भी आत्मा को पराभव करते हैं। राजेंद्र जी आत्मा को विजय नहीं दिलाते हैं, उनने आत्मा को जिताया नहीं कि नहीं स्वर्ग में जाए, स्वर्ग ले गया, स्वर्ग ले गया, स्वर्ग ले गया है? आप कैसी बात कर रहे हैं, स्वर्ग ले गया, स्वर्ग ले गया। देखो फिर अगली में नाम नामक कर्म से पशु नरक नर सुर गति में स्वकर्म परिणत जीव को निज भाव की उपलब्धि नहीं, निज भाव की उपलब्धि होने वाली नहीं है चारों पर्यायों में कहीं भी। काहे की तुम भांगछा कर रहे, काहे को तुम अच्छा मान रहे, क्या किया कि कर्म हमारा, कुछ कर्म अच्छा होता है, कुछ कर्म बुरा होता है, कुछ कर्म हमें ना हानि पहुँचाता है, कुछ हमें लाभ पहुंचाता है, क्यों है? ये जो आपको 10-20 लाख रुपए का फायदा हो जाए है? तो वो आपका क्या हुआ, पराभव होता है आपका है? क्यों कि जीत होती है। हम कैसा अनुभव करते हैं बोलो, उस दिन फूले फूले नहीं फिरते हैं, प्रसन्नता नहीं खिलाते हैं और दोस्तों को पार्टी नहीं देते हैं। जिन दोस्तों को पार्टी देते हो ये सब सम्मय दृष्टि होंगे, अनुवृत्ति होंगे, मुनि होंगे, तो जो पदार्थ आप खिला रहे हो वे खाने लायक होंगे, किसी होटल में ले जा करके खिला रहे हो वो जगह खाने लायक है। क्या क्या हुआ, हुआ क्या सब लाभ हुआ, हमारे महापुण्य का उदय आया, महापुण्य का उदय आया कि महापाप का उदय आया। उत्तम चंद जी साहब कि आपको ये परिग्रह नाम का जो पाप है उस सब पापों में सबसे बड़ा परिग्रह नाम का पाप है। आपकी पाठमाला में तो ये लिखा है कि मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। मैं भूला नहीं हूँ अभी वो, उसके बाद में आपसे कह रहा हूँ ये ऐसा पांच पापों में बताओ कि कौन सबसे बड़ा पाप है, तो परिग्रह, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व है। वहाँ ऐसा भी प्रश्न किया बच्चों की किताब में कि हमने तो सुना था कि लोभ पाप का बाप है, लोभ सबसे बड़ा परिग्रह है, अब पाप का बाप है तो हमने लिखा हम लोग पाप का बाप है सच्ची बात है, लेकिन मिथ्या तो दादा है, बाप का भी बाप है ना, और ये 24 परिग्रहों में पहला नंबर मिथ्यात्व का है। ये जो कुछ भी आपको आर्थिक लाभ होता है ये सचमुच परिग्रह का लाभ है ना, और परिग्रह सबसे बड़ा पाप का लाभ है। तो सभी पुण्य का फल नहीं है, होगा
मैं ज्यादा करुणा योग वालों से भिड़ना नहीं चाहता क्या, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, उपलब्धि क्या होगा? अब उसका तुम भोग भोगोगे तो फिर क्या उपलब्ध होगा? कल अपन ने बात कहाँ छोड़ी थी? मैं एक एक गाथा का अर्थ इसलिए बताता हूँ कि आपको इसकी थोड़ी महिमा रहे कि व्यर्थ में हमारे 5 मिनट डॉक्टर साहब निकलवा देते हैं। कई लोग तो आगे कहते हैं कि आज बहुत समय हो गया, इसलिए ज्यादा अपन पाठ छोड़ दें। क्यों छोड़ते हो? जितना समय पाठ में लगेगा उतना मैं अपने प्रवचन में काट दूंगा, क्यों? और क्या कर सकता हूँ? पाठ करो तो आचार्यों की सीधी वाणी है और उसमें जो मार्मिक बिंदु हैं वो मैं आपकी तरफ ध्यान दिलाता हूँ, क्योंकि ये मैं इन पर प्रवचन तो मैं कर चुका हूँ, तो जो कुछ कहना था कह चुका हूँ, लेकिन आप सब लोग थोड़ी उसमें थे, उन प्रवचनों को आप सब ने थोड़ी सुना है, ख्यालना है ना? इसलिए मैं मरम की बात पर आपका ध्यान दिलाने के लिए, उस कोई जो मरम की बात होती है तो मैं भी उन पाठ जो आप पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मतलब मैं अपने लिए पढ़वाता हूँ, सच्ची बात तो ये है, आपके लिए पढ़वाता हूँ नहीं, लेकिन आप भी उनको उतना ही महिमा समझो। स्वाध्याय नाम के 5 जो भेद हैं वो एक एक से बढ़कर है, तो ये 4th नंबर है इसका। वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा के बाद आमनाय का, ये जो पाठ करते हैं ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है, और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो तप है, स्वाध्याय नाम का तप है, 12 तपों में इसका नाम आता है, इसलिए उसकी महिमा हमारे को चित्त में कम नहीं रहे इसलिए बोलता हूँ। अभी अपनी बात ये कह रहे मालूम मैंने कहा परसों कहाँ छोड़ा था, हैं? एक गाथा पूरी हो गई थी? नहीं हुई थी, कुछ बाकी रह गया मुझे कहना का। क्या रह गया बाकी? कि मैंने कहा था द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसी परंपरा अनादि से चली आ रही है। याद आएगा थोड़ा आपको, 2 मिनट में ध्यान रखें, हैं? तो उनने कहा कि अनादि से चली आ रही है, परस्पर आश्रय दोष है, इतरेतराश्रय दोष है, अन्योन्याश्रय दोष है, एक ही दोष के ये 3 नाम है न्याय शास्त्र में, अन्योन्याश्रय, परस्पराश्रय और इतरेतराश्रय, एक दूसरे के आश्रय, ख्याल में है ना? तो कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि जिस कर्म के उदय में वो राग द्वेष मोह हुए हैं वो कर्म अलग है, और जो मोह राग द्वेष के उदय में जो कर्म बनेंगे वे अलग हैं, वे आगामी हैं, भूतकाल के। हमको लगता है कि दोनों एक हैं, क्यों? द्रव्य कर्म तो दो ही हैं, इसलिए द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो? क्योंकि वो दूसरे हैं और ये दूसरे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ नहीं है तो आगम में है, कि ऐसे तो अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था क्या किसे कहते हैं? कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी कि उसके पहले वो कर्म जो वो कैसे हुआ था, कि उस कर्म जिस राग के वजह से हुए थे तो उसके पहले क्या हुआ था, फिर कर्म का उदय आया था इसलिए राग हुआ था, तो ऐसी परंपरा तो चली जाएगी आगे, तो ये इसके बोलते हैं अनवस्था दोष। आप ऐसे ऐसे टाला टूली से क्या करोगे, कहाँ तक ले जाओगे टाल करके बात को? तो हमारे आचार्यों ने जवाब दिया कि अनादि, वहाँ तक ले जाएंगे। आप लोगों को शायद याद हो, बहुत लोग जो भगवान सोनगढ़ के पंच कल्याणक में थे, अपना परमागम मंदिर के पंच कल्याणक में थे, वहाँ तो शाम को मेरा प्रवचन होता था, भाग्य से मेरा रोजाना रखा था, और बहुत विद्वान थे, बड़े बड़े अपने मिशन के भी बड़े बड़े विद्वान थे, और बाहर के भी कैलाश जी, जगन मोहन लाल जी वगैरह आए थे,
उस तो सबको बड़ा पता लगता था ये क्यों, लेकिन मैंने मैंने खुद कहा था पादमी जी से, बाबू भाई से, सबसे भी ऐसा मत करो, ये बहुत अपने शत्रु बन जाएंगे सब। तो उनने कहा कि हम सब ने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया है, आप इसके बीच में मत बोलो, आपसे तो जो कह रहे हैं वो आप करो। तो कैलाश जी ने अपने भरी सभा में भाषण में ये कहा, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, स्त्री से, पुत्र से, मकान से, जायदाद से, सबसे। तुमने कहा कितना भेद विज्ञान कराओगे भैया, इतने इतने झगड़े तो तुमने करा दिए, दिगंबर अलग, श्वेतांबर अलग, उनसे भेद विज्ञान कराया, फिर दिगंबरों दिगंबरों में भी कितने टुकड़े कर दिए, सबसे भेद विज्ञान कराते कराते अब यहाँ तक आ गए, अब तुम कहाँ तक ले जाओगे, ऐसा प्रश्न किया था हरी सभा में, प्रवचन में। अजी वहाँ कैसे मैसे ढूँ तो आप सुन सकते हैं उसमें। तो मैंने जवाब दिया था कि हाँ बात सच्ची कह रहे हैं, हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, अभी तो हम पाप से कह रहे हैं, फिर पुण्य से कहेंगे, फिर राग देश मोह से भी कहेंगे, फिर निर्मल पर्याय से भी भिन्न बताएंगे, फिर भेद से भी भिन्न बताएंगे, रंग राग से भिन्न, भेद से भी भिन्न, अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है, ये 5 दिन में हमारा काम पूरा नहीं होने वाला है। हम भेद विज्ञान पे ही बोलने का नक्की किया है। आप भेद विज्ञान को झगड़े के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्यों? मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे और पढ़ाते वक्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय आएगा तो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? पांच उसमें श्वेतांबर मत की समीक्षा आएगी तो वो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? ये तत्व ज्ञान है कि ये समाज में फूट डालना है, मुझे बताओ। अरे यूनिवर्सिटियों में ऐसा रखा जाता है कोर्स में, क्या बौद्धों में और जैनियों में क्या अंतर है ये बताइए? एक दफे कभी ये प्रश्न नहीं आया कि दोनों में समानता क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, ये प्रश्न अभी 1000 वर्ष के पेपर उठा के देख लो, हर वर्ष के पेपर की परीक्षा में दोनों में अंतर क्या है ये प्रश्न तो आया होगा, लेकिन दोनों में समानता क्या है ये प्रश्न नहीं आया होगा। राजेंद्र जी हम लीला बोधी करते हैं, करना चाहते हैं, क्यों कि साहब आपका इनसे क्या मतभेद है, जो भी समझ लो, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे बहुत मतभेद है, मुनि धर्म का क्या स्वरूप है, जैसा हम समझते हैं जैसा ये नहीं समझते, हम काहे बोलेंगे नहीं पालते मालते, पालते मालते से हमें क्या मतलब है, हम दोनों की समझ में फर्क है, अंतर है, नहीं तो वो प्रश्न कहता कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं, ये भी दिगंबर है हम भी दिगंबर है, ये भी दिगंबर शास्त्र पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, भेद भाव हमने पढ़े, कोई फर्क नहीं है, तो ये फर्क हमें दिखाई क्यों देता, फिर उसका क्या जवाब दोगे? बताना पड़ेगा ना, मेरा मतलब समझ में है ना, क्योंकि हमें इसमें ये लिखा है खौफ डंके की चोट के, इस कर्म ने आत्मा से लड़ाई लड़ी और आत्मा की दुर्दशा करके फिर इसको जेल में डाल दिया, और वो जेल कौन कौन सी जेल थी, एक तिहाड़ जेल थी, एक अहमदाबाद की थी, क्यों वो तेर थी, नरक गति की थी, त्रंज गति की थी, देव गति की थी, और उसमें सरदार सिद्धि भी एक जगह थी, बोला ये नहीं मानते हैं कि वो जेल है, ये अंतर है, अंतर जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है, भेद विज्ञान का मतलब यही है कि अंतर जानना, भेद जानना, समझिए ना, दोनों में क्या समानता है, उसमें क्या है, दोनों रोटी खाते हैं, क्यों कि नहीं नहीं गुजरातियों की रोटी बहुत पतली होती है, तुम्हारी जितनी तुम्हारी एक रोटी होती है उतनी गुजरातियों की 4 रोटियां होती हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि हम एक रोटी खाते हैं गुजराती, तो गुजराती खाते हो तुम हिंदी हो के तुम्हें शर्म नहीं आती,
हम गुजराती रोटी कहकर वो कितनी छोटी होती है वो बताना चाहते हैं, क्या आप समझ में आए ना, इस दोनों का अंतर बताना चाहते हैं। तो अंतर बताना तो हमें रागद्वेष फैला रहे गुजरातियों में हिंदी में, ये रागद्वेष फैलाना नहीं है, ये तो वस्तु के स्वरूप को गहराई से समझने की बात है। तो आपने कहाँ से कहा था कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो ये अनादि संतति है कि अनादि से चली जा रही साहब। तो इसलिए सबसे पहले द्रव्य कर्म था कि भाव कर्म था, क्या इस चक्कर में मत पड़ो, जब दोनों को हमने अनादि कह दिया क्या, तो फिर उन्होंने अपन को चार उदाहरण देके समझाया था। कौन बताएगा, खड़े हो जाओ, नहीं कोई की हिम्मत नहीं हो रही, अच्छा अब पंडित जी से क्या पूछूं, हैं, हाँ दो चार पांच हाथ उठ रहे हैं, इसलिए मुझे तो बताना है दोबारा, तो तुम्हारी बात मान लूँगा कि तुम्हें आता है कहलवा दूँगा, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, मुझे तो याद दिलाना है क्या, वो है ना किसका छंद, वृंदावन कवि का, जैसे वृंदावन की कहानी सुनाई थी उसकी शुरू की जो पंक्तियां हैं ये आपके इसमें ही है ना, अब वे पढ़ो, चिर माही नीर है मैं खानी में समल है, एने जब कारण ते जोदय होते देखे तब, जाने जो मैं लापा हूँ मैं जो दे ही जोगल है, तैसे ही अनादि पुगली के दब करम सो जीव को संबंध लस एक थल रल है, वेद ज्ञान आदि से वे साधन ते न्यारो हो, ऐसे निर्वाद संग सदत विमल है। ऐसा अनादि का निपटा दिया, ऐसा अनादि का है, अब मत पूछना कि कब से है, अनादि में कब नहीं होता है, ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है, तो कभी अंत आएगा कि नहीं। अब एक समस्या है कि जो चीज अनादि होती है उसका अंत कैसे आ सकता है, ये आत्मा अनादि का है उसका अंत नहीं आता है, ये क्षेत्र अनादि के हैं उनका अंत नहीं आता है, है? तो जो चीज अनादि होती है उसका अंत नहीं आता है, तो बहुत बड़ा झंझट का काम हो गया, क्यों, अनादि का द्रव्य कर्म भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, कि कभी ये जो चैन है ये चैन टूटेगी भी कि नहीं, कि टूटेगी घबराना नहीं, क्योंकि इसका अंत हो सकता है। दादा अब थोड़ा मलम हुआ है, कह गया अभी ऐसा नहीं है कि अनादि का है, तो ये कितना ही पुराना हो कितना ही मजबूत हो लेकिन ये टूट सकता है, टूटता है, तो क्या टूट सकता है कि हाँ टूट सकता है, तो कौन तोड़ेगा, गुरुजी तोड़ेंगे, कर्म तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, कि हम राग द्वेष करें और कर्म नहीं बने उसे तोड़ दे प्रभु हम टूट जाएंगे, यदि ऐसी बात सत्य होती तो सारी स्तुतियां भगवान की लिखने की जरूरत नहीं थी, कर्मों की लिखी जाती कि तुम तोड़ दे हे कर्म देवता तोड़ दे, हम तो खूब राग द्वेष करेंगे, हम तो ये बदमाशी करे बिना मानेंगे नहीं, तो तू मत बनियो, वो कभी तुम्हारी प्रार्थना सफल नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा कि वो उदय में रहेगा और तुम नहीं करो राग द्वेष, यहां ये रास्ता खुलता है, टूरम जी ने कहा क्यों खुलता है कि हाँ एक बात है, तीव्र जो उदय होगा तो नहीं तुम्हारा कुछ चलेगा, लेकिन मंद उदय होगा उस वक्त तुम कर सकते हो ये काम, लेकिन ये नियम है कोई कर्म अंतर्मुख से ज्यादा तीव्र नहीं रहता, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र,
ये ऑटोमेटिक होता है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता, ये तो स्वभाव में ही पड़ा है। जैसे समुद्र में भर्ती आती है और फिर क्या बोलते हैं, भाटा और ज्वार, ज्वार आता है और भाटा आता है, ज्वार आता है और भाटा आता है, वो किसी के लाने से नहीं आता है, समझ गए ना। ऐसा निरंतर हुआ करता है तो निरंतर अवसर मिलता है। टोडम जी ने लिखा कि नदी में बहते जाओ तो जब खूब तेज धार में बह रहे हो तब विपत में हाथ पैर मारकर थकने की कोशिश नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहते जाए और कुछ नहीं करें। मौका आएगा कोई पेड़ मेर दिखे और तुम उधर से उसके पास से निकलने की संभावना दिखे तो पूरी शक्ति से उसकी डाली को पकड़ लेना। यदि वो तुम्हें निरंतर कोशिश करते रहोगे तो इतने थक जाओगे कि वो डाली तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। वो एक रास्ता है, कौन करेगा, वो किसकी जिम्मेवारी रही हम कि कर्म के उदय में हम राग ना करें कि राग के उदय में कर्म ना बने। ये बात है ना, तो सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि हमारे ही माथे हैं। जब तुम करोगे तो हो जाएगा, कब होगा कि जब तुम करोगे तो हो जाएगा, कि जब तब क्यों लगा रहे। कि सच्ची बात तो यही है, हर एक जीव का अनादिकाल से ये नक्की है कि ये कब करेगा और कब होगा। क्यों, कब मरेंगी सासू और कब आएंगे आंसू। घबराओ मत, हजारों वर्ष लगने वाले नहीं है। क्यों, इसी भव में 10-5-20 वर्ष के भीतर ही सासू जी मरेंगी और तुम्हारे आंसू आएंगे। क्यों आएंगे आंसू, हम तो नहीं रोएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अभी करो बेटा जितना इंतजार करना है, लेकिन जिस दिन जब वो जाएंगी तब तुम रोओगी। तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारा कितना काम निपटाती हैं, उनसे तुम्हारे लिए कम से कम चौकीदारी का काम तो करती हैं कि तुम आराम से कहीं भी जा सकती हो, सिनेमा जा सकती हो। अम्मा जी हम हुआ हैं आज, कहाँ हुआ बेटा, घर में खाती हैं, फिर किससे कहोगे बेटा, वो बच्चे को किसके पास छोड़ के जाओगे है? अभी तो तुम छोड़ के बच्चों को बेचारे छोटे छोटों को और सिंगापुर चली जाती हो, अमेरिका चली जाती हो, इतनी इतनी दूर तक चली जाती है। अभय जी मैं कोई वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नाम ख्याल में है कि कौन कौन कहाँ कहाँ छोड़ के भाग गया। मेरा मतलब कहने का अब समझ में आएंगे, आएंगे यहाँ से, आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे अभी तुम्हें उसका सहयोग क्या है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्या कि हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम जब तक बेटा हैं तब तक तुम परमात्मा चाहे जहां घुस सकते हो फटाफट आकर के, फिर बाद में कहां बैठना पड़ेगा पता नहीं। हमारे होने मात्र का कितना सहयोग है अभी तुम्हें इसका अंदाज नहीं है। हर एक का है, एक एक की बात हो रही है। जतीश भाई कल जतीश भाई नहीं होंगे तो सबको याद आएंगे, अभी तुम भले ही कुछ भी जिसको कहना हो कह लो है? क्योंकि वो भी चीजें जरूरी है ना, जो वो करते हैं। मुझे विकल्प आ रहा था बहुत तीव्र, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। क्या आप कह रहे कि हमारा जब तक गला खराब नहीं हो जाएगा तब तक आप एक करो, मेरे कहा प्रोचन करके गला खराब करो। मतलब वास्तव में मतलब कौन से काम की कितनी उपयोगिता है हमको उसकी गंभीरता किसी को ख्याल में नहीं है। अब असली उत्तर क्या है, कब होगा, यानी क्रमबद्ध पर्याय में नक्की है। पर हम जिस तत्व चर्चा में बैठे हैं, जिस गोष्ठी में बैठे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सासू जी बहुत जल्दी मरने वाली हैं,
पर वो काल बहुत जल्दी आएगा, उनका ज्यादा काल संसार में नहीं है। प्रताप सिंह जी, यदि होता तो आपका प्रयोजन मैंने सुना है, कितना त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से आप बढ़िया कितनी प्रेरणा देते हो, तो ऐसा नहीं निकल सकता था आपके मुंह से जिस तरह निकला। घंटे भर तक मैंने सुना, तो वो कोई निकट भव्यता का निशानी है। तो ऐसा है। अब वो जो बात चल रही है कि कर्म का उदय होगा, अब मैंने कहाँ छोड़ा था ये कोई अब बताएगा, मुझे वहीं से शुरू करना है। इसलिए हैं, मैंने एक कहा था कि जब राग द्वेष मोह होते हैं तो जो कर्म बंधते हैं उनका जब बंटवारा होता है तो जितनी प्रकृतियां उस गृहस्थान में बंधने योग्य होती हैं उन सबको हिस्सा मिलता है। पता है, कहा था तुम पुण्य भाव करो तो भी पाप प्रकृति को हिस्सा मिलता है। चंद्रन देव की पूजा भक्ति सोलह कारण भावना जो भी करना हो करो खूब, लेकिन वो मिथ्यात्व और अनंतानबंदी का साया भी मौजूद है ना, तो उसको उसमें हिस्सा मिलता है। सबको हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक हमारा सौभाग्य है कि वो जो हमने किया, हमने तीव्र मिथ्यात्व किया, तो उससे जो बंद हुआ उसमें कर्म आए वो भी बंटवारे में उनमें भी जाएंगे। जो विचार गति है ना, तो उसमें देव गति में हमें बंधी है तो उसमें भी जाएंगे। फिर निरंतर बंधी प्रकृतियां होती हैं तो उनमें जाते हैं, सब में ऐसा होगा। लेकिन ये सात कर्म की आगे संतान नहीं होती। यदि आठ ही कर्म बंधे और उनका उदय आया, और उदय आने से फिर जब उनका उदय आता तो फिर आगामी कर्म बनते, ऐसा नक्की होता तो हे भगवान कितने कर्म बन जाते। सात कर्म के उदय में तो कर्म बंधते ही नहीं। हमारे को यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय आया तो सब जगह जय जयकार होने लगी। आप समझे ना, अभी इसकी वजह से आगामी कोई कर्म नहीं बनेगा, घबरा ना। और अयश कीर्ति कर्म का उदय आया तो बस वर्तमान में आएगा, आपको भोगना है, क्या भोगना है, डंडा तो पड़ेंगे नहीं, थोड़ा हमारा आपयस होगा क्या, तो होगा और निकल जाएगा, यश होगा और निकल जाएगा, आगामी बंध नहीं होगा। यदि हमने उसमें रस नहीं लिया तो, यदि हमने उसमें राग देश किया तो बंद होगा, लेकिन वो राग देश से होगा, वो यश अपयश से नहीं होगा।